सारी वकालत ख़त्म कर दूंगा, जज साहब ने कहा आपको जेल भेज दूंगा। बागेश्वर धाम की याचिका के सुनवाई के दौरान जज साहब और वकील में बहुत तीखे सवाल। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है, राज में हरिराम। बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम, जो अपने हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म को लेकर जगह जगह चर्चे में है। वहीं पे मध्य प्रदेश में उनके हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान विवेक अग्रवाल जस्टिस, जो हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल हैं, उन्होंने वकील को इतना फटकार लगाया कि वो समझ गया होगा कि कानून एक अलग दायरे में है और विरोध करना एक अलग दायरे में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर धाम की याचिका हाई कोर्ट तक पहुंची और हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुआ तो जिस तरफ से उनको भेजा गया था वकील को हाई कोर्ट में विवेक अग्रवाल जस्टिस के सामने, उन्होंने सीधा सीधा इस बात को लेकर गर्मा गर्मी हो गया जस्टिस से, वकील को बोल दिया कि जेल भेज दूंगा, बहस करना आता है, बदतमीजी करना आपको सिखाया किसने और कैसे आप यहाँ तक आ गए, कितने साल तक आप वकालत कर रहे हो और कितने साल से आप हाई कोर्ट में हो, क्या आपने समझा नहीं कि किस तरीके से हाई कोर्ट में बात किया जाता है, बदतमीजी करोगे तो जेल भेज दूंगा। ऐसा ही होते ही बागेश्वर धाम के तरफ से जिस तरीके से उनके दब्बे दरबार को गाथा, जो गाथा होता है, उनको रोकने के लिए ये याचिका लगाया गया था कि एक जो वकील ने याचिका लेकर आई थी, उनका कहना था कि यहाँ का जो भी आदिवासी की तरफ से याचिका लगाया गया है और बागेश्वर धाम की जो चर्चा, जो गाथा हो रहा है, वो गाथा यहाँ नहीं कहीं और हो, इसी के कारण वो याचिका लेकर वहाँ पर आए थे। तो सीधा जस्टिस अग्रवाल, विवेक अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कहा कि ये तरीका जो आपका है वहाँ पर क्या हो गया जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए जहाँ हो रहा है और दूसरे जगह होना चाहिए, ये बात इस तरीके को लेकर बागेश्वर धाम सरकार को काथा को लेकर ये बात हुई। तो सीधा सीधा जस्टिस विवेक अग्रवाल थे, उन्होंने सीधा सीधा उस वकील को हरकाया और उनको कहा कि आपको मैं जेल भेज दूंगा, अगर ज़्यादा बदतमीजी की तो आपको यहाँ पता ही नहीं चलेगा, आपको इंस्पॉन्सर देकर वकालत करने भेजता है और वकालत करने आ जाते हो हाई कोर्ट में। जिस तरीके से फटकार लगाया वकील को, वो समझ गया होगा कि किस तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई होता है वकील को और किस तरीके से जस्टिस विवेक अग्रवाल के सामने हम बात किससे कर रहे हैं या कहां पर कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट का और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट की बात है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।